साहब सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, शुभोदया। तो आज जो है ना हम जाएंगे हैदराबाद से जो है ना रायपुर की तरफ छत्तीसगढ़। एंड आज पहुंचेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है ना 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो देखते हैं आज कहाँ तक हम राइड कर पाएंगे। और अभी जो ना टाइम हो रहा है 9:20। और ये रहे रवि भाई, जिनके यहाँ पे स्टे किए हुए थे हम, और एक है नीरू भाई। तो उनके साथ ही जाते हैं, पहले स्कूटर के अंदर फ्यूल डालेंगे। मेरे कैन में एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, तो वो डाल के जो है यहाँ से हम अपनी स्कूटर लेके जल्दी से जल्दी निकलते, क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रैफिक हमें यहाँ पे हैदराबाद के सिटी में मिल सकती है। उसके बाद जो है ना आराम से रोड रहेंगे। और ये भी शायद जिस रूट से जाऊँगा ना, ये भी जो है ना हाईवे नहीं है, अंदर से अंदर रूट है। तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है, ग्रीनरी देखते हुए जाएंगे, बहुत कुछ देखते हुए चले जाएंगे ना। तो चलिए निकलते हैं। तो भाई एक बार ये बजाज चेतक देख लीजिए, जिसमें दूध करने के लिए मैं जो बता रहा था ना कल, यही है। और इसमें भी आप देखना ना, सेम जो है ना इंडिकेटर गार्ड इसमें के अंदर इसमें भी लगा हुआ है। और पूरी स्कूटर जो है ना रेडी करी हुई है। कितना लगा था इसका रेडी करने में? 27,000। कितना टाइम हो गया रेडी करके आप? 3 महीने 4 महीने हो गए। और कब से यूज़ कर रहे हो ये दूध ये करने के लिए? 10 साल हो गए। देखिए भाई 10 साल से जो है ना यूज़ कर रहे स्कूटर। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ से निकलते, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं ना। अभी सिटी से बाहर जाने के लिए ना थोड़ा मुझे लगेगा, उसके बाद टाइम लगेगा, उसके बाद जो है ना आराम से हम जा सकते। चलो ब्रो, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। प्रो बाय 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 बाय। वालेकुम सलाम। यार थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ऐसा कोई आगे बोलता है ना पीछे से कि यार हम आपके फॉलोअर्स हैं, भाई बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ख़राब ट्रैफिक लगा है सामने, मैप में दिखा रहा है, मैं गलत साइड आ गया, मुझे उस साइड जाना था। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना भाई, कितना टाइम लग रहा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब तक सिर्फ 10 किलोमीटर कवर किया हूँ, 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं निकले हुए। बीस किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैफिक में चलाने के बाद अभी ट्रैफिक में बाहर आ चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:13। यहाँ पे है वारंगल नागपुर के लिए इस तरफ, और लेकिन मुझे जाना है करीम नगर की तरफ इस साइड से। और अभी जो है ना हम रूट को भी थोड़ा ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हम सिटी से बाहर आ चुके हैं। अभी हाईवे है तो ये देखिए ऐसी तरह बढ़िया हाईवे रहेगा पूरा। ये रहा अपना पहला ब्रेक, जो कि 45 किलोमीटर राइड करने के बाद लिया है। और अभी यहाँ से थोड़ा आगे जो ना सीट वेट है, और जो मेरा स्पीडोमीटर मैंने ये किया था ना, उसको मैंने रिटर्न वहाँ पे दे के आ गया, क्योंकि वो बराबर से काम नहीं कर रहा है। तो उसको फिर हम रिटर्न कराएंगे जहाँ से ऑर्डर किया था ना वहीं से। हो तो चलो जी। अभी
टाइम हो चुका है नमाज का और आज फ्राइडे है, तो यहाँ पे जो ना अंदर हम आ चुके हैं थोड़ा। तो यहाँ पे एक है मस्जिद और ये रही मस्जिद। तो यहाँ पे अपना सामान एक जगह निकाल देते हैं, ठीक है। तो भाई बढ़िया सी प्लेस देकर जो है ना हमने यहाँ पे अपनी स्कूटर रोका था और यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है ना, तो यहाँ पे गए, दिल करा लस्सी पीने का लेकिन यहाँ पे लस्सी नहीं है और यहाँ पे रुकना हमारा बेकार हो चुका है। तो आगे जाते हैं क्योंकि जस्ट थोड़े से पीछे जो है ना मैं नमाज़ के लिए रुका था, तो वहाँ से अभी थोड़ा आगे जाते हैं और डायरेक्टली ना कुछ खा लेंगे और कुछ पीने वाना कुछ नहीं है, अभी खाते हैं और देखते हैं। इसके आगे जो है ना आएगा स्पिगड़ी, नहीं सॉरी यार, कुछ है जगह जो कि आएगी 30 या 35 किलोमीटर के करीब होगा, तो वहीं पे जाके जो है ना हम रुकेंगे। और ग्लव्स भी पहन लेते ना, वरना जो है ना यहाँ पे स्किन जो है ना नाखून की चली जाती है ऐसे अगर चलाते हैं तो। आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ ये जो ना अक्सर होता है, जिस दिन मैं ग्लव्स नहीं पहनता हूँ ना तो यहाँ की चमड़ी चली जाती है मुझे, तो इसलिए ग्लव्स मुझे पहनना है और ग्लव्स पहन के चलाना भाई। एक सेफ्टी है, अगर गिर भी जाते हो ना तो बहुत आपको ये करता है। अभी जो है ना मैंने 3-4 बार गिर चुका हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास ग्लव्स थे इसलिए उतनी मुझे कुछ लगी भी नहीं है कहीं पर। जब ज़्यादा ब्रेक लेना होना तब मैं ग्लव्स पहनना थोड़ा अवॉइड कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार ग्लव्स निकालना मोबाइल यूज़ करने के लिए। अभी तो हाईवे है, उतना रुकना तो नहीं है अपने को। तो भाई 4 रूट जाता है नीचे से जो ना सिटपिट, और सामने से जो बिल्डिंग देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा शहर है ये सिटपिट। तो अभी जो मैं इस तरफ राइड कर रहा हूँ ना, इस तरफ मैंने यहाँ कभी राइड नहीं किया, जैसे कन्याकुमारी टू कश्मीर राइड करते हुए जो है ना मैंने जो NH44 है उस रोड पे जो है ना मैंने राइड किया था, थोड़ा बहुत उसका नॉलेज था मुझे, लेकिन इस बार जब मैं अभी इस तरफ राइड कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे कि कैसा क्या है। तो हर चीज़ मेरे लिए नई होगी, नई एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे अलग। तो सामने देख रहा है बिल्डिंग देख के ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा शहर है। देखते हैं, अभी जा रहे हैं हम करीम नगर, जो कि यहाँ से जो है ना 61 किलोमीटर है। तो भाई ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए आपने अपनी स्कूटर जो है ना यहाँ पे रुका दिया। और आज का सीन क्या है ना कि हम जा रहे तो रायपुर की तरफ, लेकिन बीच में जो ना अभी है हम तेलंगाना, इसके बाद जो आएगा ना बीच में जो है ना महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आएगा, फिर महाराष्ट्र के अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद जाके जो है ना हम एंटर करेंगे छत्तीसगढ़, जो कि हमारा 11th स्टेट होगा इस ऑल इंडिया राइड का। तो आज हम नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ से अभी जो है ना 571 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है अभी 4:04 बज चुके हैं। और ये रही अपनी स्कूटर, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। सीट और जो कैन चेंज करने के बाद ना बहुत ही बढ़िया लग रही है। और इसके बैग जो लगेज बैग है ना, ये लगेज बैग के अंदर ना आप बहुत कुछ कैरी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे ना, कुछ दिन उसको यूज़ करने दो। और ये भी जो कि एमेरॉक के शूज़, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाना है, जब इसके ऊपर आराम से पूरी टेस्टिंग होगी ना 1 मंथ चलाने के बाद, उसके बाद ही जाके जो है ना मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू। हाँ कर्नाटका छत्तीसगढ़, थैंक यू थैंक यू। तो भाई स्कूटर का रिएक्शन ऐसे मिलता है, कुछ जगह पे कैमरा ऑन रख के उसको कैप्चर कर पाते हैं, और जब कैमरा ऑन रहता ना तब आगे लोग जो ना ऐसे रिएक्शन करते हैं स्कूटर के ऊपर। भाई मेरी मदर टंग जो है ना नाखुदा है, जो कि सिर्फ बोली जाती है, इसमें लिखी नहीं जाती, और इसको जो है ना हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं करांगन। और आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप जो है ना अपने घर में कौन सी लैंग्वेज बात करते हैं इस लैंग्वेज को भी जो है ना कमेंट कर देना। यहाँ पे हम खा रहे करांगन विद अ ब्यूटीफुल सनसेट। Thank you.
बाय।